वेलकम बैक टू माय चैनल अभिप्रेय व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 और हम लोग अभी हल्द्वानी को निकल रहे हैं। जैसे कि हमें कल रात जाना था लेकिन हम किसी कारणवश कल रात नहीं गए, हमने सोचा मॉर्निंग में जाएंगे, तो अब हम मॉर्निंग पर यहाँ से निकल रहे हैं हल्द्वानी के लिए। और सुबह के 6 बज रहे हैं और सुबह के 6 बजे में ही देखिए मेरे बेटे को, ये सुबह सुबह 6 बजे बोरिंग में आ गया नहाने के लिए। अभी अपनी टी शर्ट उतारने की प्रोसेस चल रही है उसकी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेले की यहाँ पे तैयारी हो रही है। अगर मैं यहाँ पे होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। है देखिए पूरे मेले की तैयारी हो रही है, पर मैं यहाँ पे हूँ नहीं। यहाँ पे 2 दिन का मेला लगने वाला है। वो क्या भूल गए आप कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं भूल रही, आज लाड़ी नहीं नहीं सब लाड़ी में। किसके पैर छूना भूल गए कह रहे हो? मम्मी के। अरे पापा के छुए? मम्मी के पैर छूना भूल गई। पापा के छुए? पापा के छुए? पापा के तो छुए, पापा ने पुठे लगाए मेरे को। अच्छा तो पापा, तो पापा को फोन करके कह दो कि मम्मी के पैर छू दे। हैं है? पापा को फोन करके कह दो कि मम्मी के पैर छू दे। मम्मी के पैर छू दे। हाँ ट्रांसफर हो जाएगा ना वो। कह दो फिर। कह दो फोन करके। दादा वो भाभी के पैर छू देना, मैं आपके छू के आई हूँ। भाभी के भूल गई। हाँ फोन लगा के, फोन लगा के दादा को कह दो वापस चले पैर छूने। नहीं तो नहीं, तो दादा को कह दो वो छू देंगे। हाँ दादा को कह दो वो छू देंगे। पापा को कह दो, कहना मैंने आपके छुए, आप भाभी के छू देना पैर। करो हेलो भाभी, तुमसे प्रणाम करना भूल गई मैं। आशा के आशा आई भूल गई, याद आ रही मेरे को। अरे इनने ना दादा के पैर छुए, आपके भूल गई है तो भूल। हाँ तो मैंने दादा को कहना कि आपके पैर छू दे। हाँ, दादा से कहना तुम्हारे पाँव छू देंगे दादा। ट्रांसफर हो जाएगा। प्रणाम प्रणाम। चलो नाराज मत होना, नाराज मत होना, पैर छूना भूल गई। हाँ भाभी ठीक है। जैसे कि गाइस ये भाभी के पैर छूना भूल चुकी है। तो गाइस ये भाभी इनकी कौन है? अच्छा, जो मेरी सास है। ठीक है ठीक है। उनके पैर छूना भूल गई तो बुआ बड़ी टेंशन में है। करो काम करो कि कहीं भाभी नाराज ना हो जाए। यस नरद ने मिलने की। ठीक है भाभी प्रणाम। भाभी नाराज होने की चिंता है रे। ठीक है, नहीं तो भाभी को होती है नंदो की नाराज होने की चिंता। यार ननद को हो रही भाभी नाराज ना हो जाए, मैं पैर छूना भूल गई। अपने घर, और हल्द्वानी पहुंचने के बाद नक्श भी स्कूल जा चुका है, उसके पापा भी ऑफिस जा चुके हैं, और ये बैठी हैं बुआ। बुआ कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मन लग रहा? नहीं लग रहा, मन लग रहा है। सही है मेरा घर? अच्छा है। अच्छा है तो अब हम बुआ को कराते हैं ब्रेकफास्ट। और अभी इतनी जल्दीबाजी में आके, इतनी जल्दीबाजी में ही सारा बेटे को भी स्कूल भेजा, उनको भी ऑफिस भेजा, तो अब मैंने फटाफट में मैगी ही बनानी है यहाँ पे बुआ और अपने लिए। तो हम खाते हैं मैगी और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं और बुआ जा रहे हैं नज़दीकी मॉल पे, एज मुझे कुछ सामान लेना था घर का, तो मैंने बुआ को बोला चलो आप भी घूम के आ जाओगे। तो बुआ और मैं कहाँ जा रहे हैं बुआ? मॉल। मॉल क्या लेने? साबुन और सामान लेने जा रहे हैं। सामान लेने जा रहे हैं घर का। तो मिलती हूँ गाइस आपसे और अल्लाह के आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या सामान लेके आई। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो और मैं ले रहे हैं सामान।
देखिए अभी हम क्या क्या लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं फाइनली घर पहुँच गई हूँ सामान लेके। और क्या मतलब हुआ, कौन देख रहा है, मॉल में तो उठाया और रखते गए। तो मैं सामान में देख के क्या क्या लाई हूँ, कोल्ड ड्रिंक, खाने पीने की चीज़ें लाई हैं, ये क्रंची राइस फ्लोर स्टिक्स मोरक्को, क्या था ये सुहाना का मटर पनीर मसाला, ये नमकीन, और ये लाई हूँ मैं मकैन बुआ के लिए, आज शाम को तल के दूंगी। और ये और वीको टर्मरिक का फेस वॉश, मैंने सोचा आज इसको यूज़ करके देखती हूँ कि कैसा है। मैगी मसाले और हैंड वॉश, हाँ ये बटर एंड पनीर रात को बुआ के लिए बनेगा। और ये है हमारा पियर साबुन, और ये है सेवई, और ये है मुनक्का, और ये दाल सर्फ, और वन मोर सर्फ, और ये पियर्स, ये कपड़े धोने का साबुन, और ये अरहर और चना की दाल, और चाय पत्ती, बेसन, विम एंड हींग। तो इतना सामान है गाइस, इतना सामान लेके आई हूँ। और वो भी आज मेरे पास स्कूटी नहीं थी, मैं इसको हाथ में बोक के लाई हूँ, तो मुझे हो गई है बहुत गर्मी। मिलती हूँ आपसे चेंज करने। और देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे बुआ आई है मेरा साथ करने, और यस साथ करने है, उम्मीद गाड़ने है, यस दगड़वा छंद है, ऐसा साथ करने भेजा इनको मम्मी ने। देखो नींद आ रही है इनको, नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठ गए ना, तब आ रही होगी ना नींद। नींद रात भर नहीं आई है। क्यों? क्या एसिड बन रहा था। अच्छा, परसों भी नहीं आई नींद। दवाई खा ली अपनी शुगर वगैरह की? बहुत थक भी गई ना मॉल जाके सामान लाके, तो धूप में फिर उनको चलने को भी नहीं हो पाता ज़्यादा, तो वो धूप में चली मेरे साथ तो वो थक भी गई है। और अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपने लिए और बुआ के लिए खाना बना रही हूँ। इसमें मैंने दाल बॉईल करी है और इसमें मैं उसको फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरा प्याज यहाँ पे जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी, फिर मैं इसमें दाल डालूँगी। तो मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है घर में, क्योंकि बुआ जो आई है, मन भी लग रहा है। बुआ मन लग रहा है, नहीं लग रहा आपका? लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, नींद आ रही है? और अभी नहीं आ रही। अच्छा, तो अब मन लग रहा है तो दो चार दिन यही रहना फिर। क्यों? ड्यूटी नहीं जाऊंगी, घर नहीं देखने। ईएलसीएल है? अरे घर भी देखना हुआ, बच्चे देखने हुए। बच्चे तो बड़े हैं आपके? अरे बड़े बच्चे भी आपको देख देंगे, बच्चे बड़े भी हैं तो माँ माई तो होती। इसका मतलब आपका मन नहीं लग रहा? माँ माई होती है। इसका मतलब मन नहीं लग रहा? मन नहीं लग रहा लगने में, नहीं लग रहा। क्यों? अब घर बच्चे के बिना नहीं लग रहा होगा, वैसे तो लग रहा होगा ना। ऐसे ही होता है, माँ की माँ रहना तो करते हैं। माँ जो है वो बच्चों के बिना ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, पर आजकल के बच्चे हो गए हैं वो माँ के बिना रह लेते हैं। और इन बातों को करने में मेरा यहाँ प्याज जल गया है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग खाना खा चुके थे और खाना खाने के बाद हमने किया थोड़ी देर रेस्ट, बुआ ने भी किया रेस्ट। बना रहे हैं चाय हुआ, और अपने लिए मैं बना रही हूँ इलायची वाली चाय। ठीक है बुआ? इलायची वाली चाय बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ मेरी चाय अभी बन रही है, पक रही है, तो मैं तब तक पिलाती हूँ नक्श को दूध, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं चाय के साथ फ्राई करने जा रही हूँ मकैन, बुआ और अपने लिए आज मॉर्निंग में ही लाई थी मैं,
तो मैकेन्स आर टू टेस्टी, अच्छे लगते हैं। तो मैं बुआ और अपने बहन को फ्राई करने जा रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अवर मैकेन्स आर रेडी टू ईट। तो अब हम इनको चाय के साथ इंजॉय करेंगे। ये देखिए, ये हमारी चाय। हेयर मैकेन्स, कुछ और फ्राई कर रही हूँ मैं, जैसे कि ये मेरा बेटा भी पसंद करता है तो वो भी खाएगा इनको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बुआ और मैं आप खा रहे हैं बुआ मैकेन, ठीक है? कैसा है बताना? तो चलिए गाइस चाय पी लेते हैं। हाँ तो गाइस, यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ रात के डिनर की प्रिपरेशन। और जैसा कि आज मैंने आपको दिन में ही बताया था कि बुआ आई हुई है, तो आज मेरा डिनर पे बनने जा रहा है मटर पनीर। और मटर पनीर बनाने के लिए आज मैं लेके आई हूँ सुहाना का मटर पनीर मसाला। डेली तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि टेस्ट में थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, तो सुहाना का मसाला भी अच्छा लगता है, तो कभी कभी मैं इसके इस मसाले के साथ भी बनाती हूँ। इस पर तो फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, इस मसाले में सब कुछ होता है। तो आज मैं इसी के साथ बनाने जा रही हूँ, सुहाना के मटर पनीर मसाले के साथ मैं मटर पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो अभी बज गए हैं शाम के 5:30, और मैंने सोचा कि अब मैं सब्जी बना रहती हूँ और आटा वाटा गूंथ लूँगी, उसके बाद बुआ और मैं थोड़ा सा, अगर बुआ का मन करा तो थोड़ा सा हम लोग शाम को अभी घूमने निकल जाएंगे। आप पता नहीं बुआ जाती नहीं जाती हैं, क्योंकि बुआ के पैर में दर्द भी हो रहा है, उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी है, तो उनके पैर में दर्द भी हो रहा है। अभी पूछते हैं बुआ से, सुबह से बेचारी अंदर ही अंदर बोर हो गई होंगी, तो देखती हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल बना लेती हूँ अपना डिनर। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने देखिए कढ़ाई में मैंने ऑनियन, दो ऑनियन काट के ब्राउन कर लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें दो टमाटो की प्योरी डाल दी है। जो सुहाना का मसाला होता है ना, फिर हमें उसमें ओवर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो रेडीमेड मसाला होता है, उस पर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पर प्याज से छौको और ऑनियन यानी टमाटो प्योरी डालो, और आप की सुहाना के मसाला डालिए, तो आपकी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। तो ज़्यादा इसमें आपको ऊपर मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, इसमें मेरी टमाटो प्यूरी हो गई है, और मैंने एक बाउल में सुहाना का, ओनली सुहाना मसाला को मैंने इसमें, आप तो चाहे तो इसको पानी में भी डाल के मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने इसको दूध में मिक्स किया है। अब मैं इसको इस पर डाल देती हूँ। तो देखिए, ये जो मैंने बाउल में मसाला डाला था, ये मैंने इसमें डाल दिया। बहुत भूख लग गई नहीं तो? नहीं लगी, नहीं लगी है। तो मैंने ये मसाला इसमें डाल दिया है, और अब ये जैसे मसाला ये ऑयल छोड़ने लगेगा ना गाइस, तो हम उसके बाद, जैसे ये हमारा मसाला भुन जाएगा, ऑयल छोड़ने लगेगा, तो हम उसके बाद इसमें पीज एंड पनीर आई विल पुट ऑन इट, तो हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो ये आपकी ज़्यादा मेहनत वाली सब्जी नहीं है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो मसाला है वो भुन चुका है। इसको बहुत ज़्यादा भुनने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें देखिए हल्का हल्का सा ऑयल ये साइड से छोड़ने लगा है, ये देखिए रेड रेड सा हो रहा है। बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ना रेडीमेड ही है, इसमें ज़्यादा देर मतलब टाइम टेकिंग नहीं है ये वाली सब्जी। अगर आप सुहाना मसाला यूज़ करके बना रहे हैं तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। हाँ, मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है, और आई विल पुट पीज ऑन इट। तो मैं इसमें पीज को थोड़ी देर पकने देती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मेरी मटर पनीर रेडी हो चुकी है कुछ इस तरह से, और मैं आटा भी गूंथ चुकी हूँ, और ये भी ऑफिस से निकल चुके हैं, पहुँचने वाले होंगे, तो देखते हैं अब हम क्या करते हैं। हाँ तो गाइज, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुआ आज दिन भर अंदर ही अंदर रह गई थी, और पैर में बुआ के दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से बुआ पैदल घूमने जाने को मना कर रही थी। तो अभी हम बुआ को घुमाने लाए हैं गाड़ी में। तो मैंने सोचा कि
थोड़ा सा इनका मन बहल जाएगा बाहर घूम के, तो इनको मैं आउटिंग कराने लाई हूँ। वह अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। अच्छा सही लग। तो अभी हम लोग यहाँ बाहर आए हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर जाएंगे रूम पे। ये बुआ हमारी पहाड़ से आई है, ये चार डब्बे मिठाई लाई थी, पाँच और उसमें से एक डब्बा वापस लेके जा रही है, उसमें से एक डब्बा वापस लेके जा रही है, छह डब्बे। अच्छा, और उसमें से एक वापस एक डब्बा वापस ले जा रही है। पाँच दिन चार को पाँच दिन। ये वापस किसके हिस्से का ले जा रही है? क्या बुआ क्या तुमको चाहिए? वापस क्यों ले जा रहे हो आप? एक डब्बा किसके हिस्से का ले जा रहे हो? क्या ना ना हमारे छोड़ो, आप ऐसे ले किसके हिस्से का जा रहे हो वापस? मैंने कहा भुवन दादी के यहाँ चले जाऊंगी। अच्छा, मतलब बुआ सोच रही है कि अब मैंने जो पाँच छह डब्बे ले रखे हैं तो कहीं तो उसको निभाऊं। अरे मुझे पता ही नहीं यार, डिब्बा में छह पाँच छह डब्बे दर्द ही कभी हो। तो जितना आपने बोला होगा उतना ही तो रखे होंगे। ये बुआ हमारी बहुत सीधी है बेचारी, बहुत अच्छी बुआ लेकिन बहुत सीधी। यहाँ पे देखिए मेरे पाँच चार डब्बे तो कौन शायद मेरे होंगे, तो पैसे भी तो उसने सारे डब्बों के लिए होंगे। पाँच डब्बा पूरा ₹1,500 लिए। फिर 1500 की मिठाई लाई है यार, ये बताओ इतने तो आपकी कमाई भी नहीं हुई होगी। है बुआ? हाँ। और यहाँ पे गाइस हम लोग खा रहे हैं वेज मोमो, बहुत टेस्टी है ये भी, डिग्री कॉलेज के पास के। बुआ मोमो सही हो रहे हैं? सही हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, खाओ फिर। और अब नक्श के लिए आ रहा है काजू शेक, क्योंकि नक्श काजू शेक के साथ ही मोमो खाता है। वो क्या पी रहे हो आप? क्या पी रहे हो? जूस। काजू शेक। काजू शेक। कौन सा आइटम है? हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग घूम के घर आ चुके हैं, और घर आने के बाद हम लोग बैठे हुए हैं, और बुआ का आज इतना पेट भर गया कि बुआ बोल रही है मेरे लिए रोटी मत बनाना, पर मैंने इनके लिए मटर पनीर बनाया, तो एक रोटी तो खाएंगी बुआ। ठीक है। हाँ, तो मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा रुक के खाना, लेकिन एक रोटी खा लेना। तो अब बुआ फिलहाल मोमो और काजू शेक पचा रही है, उसके बाद बुआ को रोटी खिलाएंगे और फिर हम सो जाएंगे। और कल सुबह बुआ जाने वाली है, मैं इनको कह रही यहीं रहो यहीं रहो, लेकिन बुआ का अपने नातिनों के बिना मन नहीं लग रहा है। कल सुबह जाने वाली है बुआ, परसों से इनकी ड्यूटी भी है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया, मैं कल के व्लॉग में आपको बुआ की विदाई भी दिखाऊंगी, और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।